दोस्तों, हमारी बॉडी में 60% से भी ज्यादा पानी होता है, इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर वही पानी गलत वक्त गलत तरीके से पिया जाए तो वो बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाता है, जैसे कि डाइजेशन का कमजोर होना, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम्स, बाल झड़ना, सुस्ती, किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम्स। दुख की बात तो ये है कि आजकल के समय में 99% से भी ज्यादा लोग पानी गलत ढंग से पीते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के फायदे लेने के बजाय जाने अनजाने अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आप कोई इम्पोर्टेंट चीज मिस ना करें। दोस्तों, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी के हम खाने में से न्यूट्रिएंट्स तक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मगर पानी इतना जरूरी और फायदेमंद है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जब चाहे जैसे पी लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस जो ये साबित करते हैं कि आप पानी गलत ढंग से पी रहे हैं और उसको ठीक कैसे किया जाए। शुरू करते हैं नंबर 5 से, पानी को खाने से पहले और खाने के बाद पीना। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बहुत लोगों की आदत होती है, मगर शायद उन्हें ये नहीं पता होता कि ये कितना नुकसानदायक है। आयुर्वेद में इसे जहर के बराबर कहा गया है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। लेकिन वहीं जब हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट के रस पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, और जब खाना पचता नहीं वो सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना तो दूर, बल्कि गैस, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके खाने के बाद पानी ना पिए। एक बड़ा आसान सा तरीका जो आप फॉलो कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद आप कुल्ला कर सकते हैं, इससे बड़ी हेल्प मिलती है। नंबर 4, पानी को तेजी से पीना। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। आपको ये बात जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि पानी जिस तरह से बॉडी में जाता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बहुत तेजी से पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और किसी तरीके बाहर निकाल देती है, और आप ये कभी नहीं चाहेंगे। इसके अलावा हमारा पेट होता है एसिडिक और सलाइवा होता है बेसिक, जो कि स्टमक एसिड को स्टेबलाइज करता है। लेकिन जब हम एक बार में बहुत ज्यादा पानी घटक लेते हैं तो सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता और हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है। ये वही सिचुएशन है जब लोगों का बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद भी वेट घटता नहीं, बढ़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को धीरे धीरे सिप करके पीना सही तरीका है, ताकि सलाइवा उससे मिक्स होकर जा सके। नंबर 3, फ्रिज का ठंडा पानी पीना। दोस्तों, क्या आप भी ऑफिस से वापस आकर सीधा फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पीने लगते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप इसके नुकसान नहीं जानते। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से गला तो खराब हो ही सकता है, इसके अलावा ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस को खराब कर देता है। ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है, खाने में से फैट्स को सॉलिडिफाई कर देता है, जिस वजह से इनडाइजेशन होता है। ठंडा पानी पीने का एक और बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है जॉइंट पेन्स, ये हार्ट रेट को भी धीमा करता है। वैसे तो गुनगुना पानी पीना बेस्ट होता है, लेकिन इतनी गर्मी में कौन पिए, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप मिट्टी के घड़े का पानी पिए। एक तो वो नेचुरली पानी को ठंडा करता है और ऊपर से पानी के पीएच को भी मेंटेन रखता है। नंबर 2, बहुत ज्यादा पानी पीना। मैंने देखा है और शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बस पूरे दिन पानी पीते रहते हैं, चाहे प्यास ना भी लगे, क्योंकि शायद किसी ने उनसे कह दिया है कि जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये सही है कि बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस पूरे दिन पानी पीते रहें। अमृत भी अधिकता में विष बन जाता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा पानी पीने से बॉडी के फ्लूइड्स पतले होने लगते हैं और सेल्स में भी पानी भरने लगता है, और यही अगर ब्रेन के सेल्स में पानी भर जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी बस उतना ही पिए जितनी प्यास हो। येलोइश यूरिन और फटे होंठ कुछ साइंस है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। नंबर 1, खड़े होकर पानी पीना। आजकल लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि आराम से बैठकर पानी पीना तो दूर, बल्कि भागते भागते भी पानी पीने लगते हैं। ये बहुत गलत है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी किडनी सही से पानी को फिल्टर नहीं कर पाती, और अगर किडनीज बॉडी वेस्ट को फिल्टर कर सही से बाहर ना निकाल पाए तो उससे बॉडी में 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। खड़े होकर पानी पीने से बॉडी का फ्लूइड बैलेंस भी बिगड़ता है, जिससे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके बैठकर आराम से पानी पिए। तो दोस्तों, ये थे पानी पीने के 5 रीजंस जिन्हें आपको अवॉइड करना है, और आपको इसका असर पहले हफ्ते से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको अगले वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। हम उसी पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।